खबर मुरैना से आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है जहां कांग्रेस महापौर बीजेपी में शामिल हो सकती है। शारदा सोलंकी आज बीजेपी की सदस्यता ले सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महापौर ने बीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की, उसके बाद अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। दो दिन पहले भोपाल और दिल्ली में मुलाकात की थी, तस्वीरें भी सामने आई थी, टीवी स्क्रीन पर भी आपके सामने तस्वीरें हैं। शारदा सोलंकी समेत बताया जा रहा है कि 10 पार्षद भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के लिए फायदेमंद लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका रहेगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका ये कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा, आखिरकार इसके पीछे क्या कारण आपको समझ आ रहा है, क्यों मुरैना मेयर जो है बीजेपी ज्वाइन कर रही है और कांग्रेस छोड़ रही है? सप्ताह से ये चर्चाएं चल रही है और सबसे पहले बंसल न्यूज ने ये कहा भी था कि चंबल ग्वालियर से एक बड़ा झटका फिर कांग्रेस को लग सकता है। वजह यही है कि लगातार हार मिली है कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह जनाधार बढ़ा है, और 2024 को लेकर भी हम देखें तो चाहे राम की बात करें या बजट के जरिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह दिखाई दे रही है, तो एक विश्वास की कमी कांग्रेस के भीतर पैदा हुई है और हमें लगता है यही सब वजह है। और इस बीच में संपर्क में तो रही होगी बीजेपी, इसीलिए आप देखिए कल ज्योतिरादित्य सिंधिया से शारदा सोलंकी की मुलाकात हुई है, जो महापौर है मुरैना जिनका आप जिक्र कर रही, उनके साथ 10 पार्षद भी आने वाले हैं। लेकिन जब तक ज्वाइनिंग नहीं कर लेते हैं तब तक इसको अटकले ही माना जाएगा, भले मुलाकात हो गई हो, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि वो ना जाए भारतीय जनता पार्टी में। पर होगा क्या ये समझ आएगा, इतना जरूर है कि लोकसभा के पहले ऐसी कई तरह की तस्वीरें हमारे सामने आने वाली। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 10 और कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है और आने वाले एक आध हफ्ते 10 दिन में वो भी कुछ दिखाई देगा। तो आज बहुत उम्मीद है क्योंकि आज तमाम सारे लीडर मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और इसी बीच शारदा सोलंकी की ज्वाइनिंग हो सकती है। बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है जो कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों